संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्यातल्या कामकाजात आज पाचव्या दिवशी देखील दोन्ही सभागृहात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या वक्तव्यावरून गदारोळ झाला. दोन्ही सभागृहांचं कामकाज सोमवार सकाळपर्यंत तहकूब करण्यात आलं. कामकाज सुरू झाल्यावर राहुल गांधी यांनी भारतीय लोकशाहीबद्दल परदेशात केलेल्या आक्षेपार्ह वक्तव्याबद्दल माफी मागावी अशी मागणी भाजपा सदस्यांनी लावून धरली, तर विरोधकांनी हौद्यात उतरून घोषणाबाजी सुरू केली. नियमानुसार सभागृहाचं कामकाज चालू द्यावं असं आवाहन लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला आणि राज्यसभेचे उपसभापती जगदीप धनखड यांनी वारंवार करूनही दोन्ही सभागृहात गोंधळ सुरू राहिला. जनतेनं संसद सदस्यांना घोषणाबाजी करण्यासाठी सभागृहात पाठवलेलं नाही याची जाणीव ओम बिर्ला यांनी करून दिली. मैं आपसे आग्रह करता हूं कि सदन को चलने दें. आपको नारेबाजी करने नहीं भेजा सदन में, देश की जनता देख रही है, इसलिए मेरा आपसे आग्रह है सदन को चलने दें. हाउस ऑर्डर में आएगा मैं सबको बोलने का मौका दूंगा, हाउस ऑर्डर में आएगा सबको बोलने का मौका दूंगा, लेकिन इस तरीके से बिना हाउस ऑर्डर के आप खड़े रहेंगे बोलने का मौका नहीं देंगे. हाउस ऑर्डर में आएंगे सबको बोलेगा. सदन की कार्रवाई सोमवार दिनांक 20 मार्च 2023 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है. अध्यक्षांच्या आवाहनानंतरही लोकसभेत गदारोळ सुरूच राहिला, तर राज्यसभेतही विरोधकांनी घोषणाबाजी सुरू ठेवल्यानं अखेरीस दोन्ही सभागृहांचं कामकाज सोमवारपर्यंत तहकूब करण्यात आलं. दरम्यान राहुल गांधी ज्या सभागृहाचे एक सन्माननीय सदस्य आहेत त्याच सभागृहाची प्रतिमा मलिन करण्याचं काम ते करत आहेत अशी टीका माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकूर यांनी संसद परिसरात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना केली. राहुल गांधी यांनी परदेशात केलेल्या वक्तव्याबद्दल बिनशर्त माफी मागावी असं ते म्हणाले. सदन का वो हिस्सा है उसी को ही बदनाम करने का, उसी के बारे में झूठ फैलाने का काम वो विदेशी धरती पर करते हैं. सदन में होंगे तो शायद कुछ कर पाएंगे. उनको शायद ये पता नहीं कि हाउस रूल्स प्रोसीजर से चलता है, स्पीकर की डायरेक्शन से चलता है. मैं तो रूल्स का ये बुकलेट भी उनको देने के लिए लाया था कि वो समझ सके कि रूल से हाउस चलता है. लेकिन सदन में होंगे तो समझेंगे, रूल्स प्रोसीजर को पढ़ेंगे तो समझेंगे. आप झूठ बोले बाहर और यहां पर आकर अपने आप को दिखाएं कि वो सदन से बड़े हैं, संसद से बड़े हैं, देश से बड़े हैं, एक परिवार क्या सबसे बड़ा है. उनको अनकंडीशनल अपॉलॉजी मांगनी चाहिए. माफी मांगने की बजाय वो ये शर्त रख रहे हैं कि उनको यहां पर बोलने का मौका दिया जाए. भाई सदन में तो आए हैं,